का पॉलिसी है, मैं लिख के नहीं दे सकता है। ऑलरेडी वो मेल भी आपको दिखाया, मैंने मेल भी दिखाया था ना, उसके लिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं भाई। आप लोग कंपनी में नहीं रखेंगे, सब कंडक्टर के पास काम करने के लिए लोग नहीं रेडी है, ना काम करेंगे ना करने ना करने देंगे, ये क्लियर है ना करेंगे, इधर का जाने के नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। एक लोग अंदर जाने के लिए, एक आदमी हमारे डब्बे में रखा दो ना उधर, 20 सीएल कंपनी जा रही है, उधर कंपनी में लोग हमें ड्रामे में दिखा रहे हो, हमारे 10 20 50 लोग कंपनी में भर्ती करना पड़ेगा, नहीं तो हम काम आप नहीं चलाएंगे, वापस चाहता इधर लोकल लोग रह जाते हैं। एंटी क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजीव शर्मा। आज इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कोड़ी में जो पुल बन रहा है उस पर आज सरपंच सोमा देवी काफी लोगों के साथ आई हुई है, आइए जानते हैं इन्हीं से कि आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या मसाइल लेकर आज यहाँ पर आए हैं। मैडम सब आपका स्वागत है एंटी क्राइम न्यूज में। शुक्रिया। मैं सोमा देवी सरपंच, मैं बहुत हमारी पंचायत में बहुत सारे लोगों को जो बेकार हो गए, मैं कंपनी से यही अनुरोध करती हूँ कि हमारे गांव के लोग भी लगना चाहिए। मैं मीडियम के माध्यम से ये गुजारिश करती हूँ कि बाहर के लोग इधर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे लोग सड़क पर बैठ जाएंगे और कंपनी का काम बंद कर देंगे। के अंदर बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट चल रहा है रेलवे, जो केआरसीएल के अंदर है, चिनाब ब्रिज कंपनी जो बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, इस कंपनी के अंदर जो काम रीस्टार्ट हुआ, काम बंद था बहुत दिनों से, ये काम फिर से चालू हुआ, कुछ ही दिनों के में काम चालू होगा, तो ये बहुत सारे लोग जो दिख रहे हैं ये इसी काम के बारे में आए थे कि ये हमें यहाँ पे रोजगार चाहिए, बेरोजगार लोग हैं, तो इनको मैं चाहता हूं कि मैं आंटी बिहाफ ऑफ सोमा देवी सरपंच की तरफ से मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं लोगों को कि ये जो हमारा इंटरनेशनल काम चालू होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा हमारी पंचायत के लोग जो हैं, ड्राइवर हैं, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, जो भी है वो इस कंपनी में लगना चाहिए, और ये हमें अपनी आवाज जो है इस पंचायत की आवाज, जो हमारे पंची साहब सरपंच जो भी आए हैं, हमारे नायब सरपंच जो भी है, तो इनकी आवाज में गवर्नर महोदया श्री सतपाल जी के पास पहुंचाना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो चालू होने वाला है ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी हमको दी जाए, हम लोगों को लोकल काम पे लगाया जाए, अन्यथा हम रोड को जाम कर देंगे और हमारा प्रोटेस्ट करेंगे इधर। हम गोलकशोर कोड़ी में वार्ड नंबर 7 का पंच हूं और हम आज यहां इस माध्यम से आए हैं कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इधर हमारे बिल्कुल जो प्रोजेक्ट लगा है जो, तो इसकी वजह से लोगों की जमीनें बिल्कुल खत्म हो गई हैं, और उन लोगों को मैं परसों हम जाते हैं तो इधर के कंपनी के जो लीडर हैं, सावनीय लीडर हैं कंपनी के, पोलिटिक्स लीडर रखे हैं जो कंपनी ने, हमें बोलते हैं बकवास मत करो, और लोगों को इधर बिल्कुल बेरोजगार लोग हमारे हैं। सरपंच साहब से यही अपील करता हूं कि ये लोगों का जो रोजगार है, जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, इनको धोखा नहीं मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स चलती रहेंगी, हम आज बन हैं हम काल नहीं रहेंगे, उसमें कोई चक्कर नहीं है, लेकिन गरीब जो आम पब्लिक इधर है, जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर की नौकरी मिलना चाहिए। इधर हमारे बंदे 15 या 18 साल से काम कर रहे हैं तो उनको लेबर में ही रखा है, चाहे वो हैड्रा चला ले, चाहे पोगलन चला ले, चाहे गाड़ी चला ले, चाहे बड़ी क्रेन चला ले, तो उसको लेबर में रखा है, और हमें बोलते हैं हम लेबर में ही रखेंगे उसको, आप कुछ नहीं कर सकते। इसका ज्यादा से ज्यादा अब जो आज हुआ, हमारे हम गए थे सब सरपंच साहब पैंतीस वगैरह सब लोग गए थे, तो इन्होंने ये कहा है कि पीछे से रूल निकला है, अब आगे का रूल हम निकालेंगे इनका।